दोस्तों हनुमान जी की आराधना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शायद ही संसार का ऐसा कोई दुख होगा जिसे हनुमान जी दूर नहीं कर सकते हैं। सभी देवगण और नवग्रह भी हनुमान जी से ही आशीर्वाद लेते हैं। भूत प्रेत की बाधा हो या धन की कमी, हनुमान जी के पूजन और उपायों से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हनुमान जी की कुछ चौपाइयाँ अत्यंत चमत्कारी हैं। ये चौपाइयाँ आपको विघ्नों से मुक्ति और धन प्राप्ति के उपाय बताती हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा की गुप्त चौपाइयाँ कौन सी हैं और कैसे इनका उपाय करना है। दोस्तों हमारे आसपास फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा ही जीवन की हर समस्या का कारण होती है। हनुमान जी का मात्र ध्यान करने से और उनके हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलने से सभी सफलता के द्वार खुल जाते हैं। हनुमान जी का पूजन करने से आपकी तरक्की के मार्ग खुलते हैं। संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ ही अपने आप में हर प्रकार के दोषों से और मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावशाली है। लेकिन हमारे द्वारा बताई गई दो गुप्त हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ विशेष रूप से चमत्कारी हैं। पहली चौपाई है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वरदीन जान की माता। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये चौपाई हर परेशानी से लड़ने की शक्ति देती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद आधे घंटे तक इसका जाप करें या फिर 108 बार इसका कम से कम जाप करें। ऐसा करने से हनुमान चालीसा की ओम पाठ के बराबर की पुण्य सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। इस चौपाई का पाठ करने के लिए, जाप करने के लिए या पाठ करने के लिए आप हनुमान जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति के सामने अपने मंदिर में बैठ जाएं और एक सफेद रंग की रुई से दीपक को देसी घी डाल करके प्रज्वलित करें। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा के पूर्ण चालीसा का आप पाठ करें। उसके बाद इस गुप्त चौपाई का आप आधे घंटे तक पाठ करें। इससे अगली चौपाई है दोस्तों, भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। जी हाँ दोस्तों, इस चौपाई का रोज जाप करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। व्यापार की बाधा हो या फिर आर्थिक परेशानी हो, सब दूर हो जाता है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस चौपाई का 108 बार जाप करें या फिर आप संध्या काल में सूर्य अस्त होने के बाद इसका 108 बार जाप करें। जाप करने का नियम एक ही है। इस बार आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है और अपने घर के मंदिर में यदि आप इस गुप्त चौपाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, तो देसी घी का दीपक में इस बार आपको लाल रंग की रुई या फिर लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये हनुमान चालीसा की गुप्त चौपाइयाँ हैं। हनुमान जी की कृपा अगर आपके ऊपर बरसने लगी तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये दो गुप्त चौपाइयाँ आपके जीवन को सफल बना सकती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम की आराधना अवश्य करें और बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। अगर हो सके तो आप मंगलवार या शनिवार या दोनों दिन व्रत अवश्य रखें। इससे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी सभी चौपाइयों आदि का पूर्णतः लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना या फिर श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य प्रदान होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।